हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों के साइंस के 2017 के एग्जाम में आ भी चुका है। और ये हमारा निश्चित उत्तरीय क्वेश्चंस में, जो कि हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसके लिए ये क्वेश्चंस हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ज्यादातर ये क्वेश्चन हमारा हर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो आगे के एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा और बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रखा है, उस पदार्थ का नाम लिखिए जो क्लोरीन से क्रिया करकर ब्रेंडेड चूर्ण बनाता है। तो यहाँ पर हमें उस पदार्थ का नाम बताना है। अब आपने ब्लीचिंग पाउडर, जो आपका टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में आता भी रहता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ रखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ जाएगा और साथ में इस क्वेश्चन को देखते ही आप इसका आंसर भी बता देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर समझा देता हूँ, जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आपने उस टॉपिक में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, जब हम सूक्ष्म बुझे हुए चूने की क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्रंजक चूर्ण, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है। तो उस पदार्थ का मैं नाम लिखना था, तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा हमारा, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना। तो आपको एग्जाम में यहां तक ही लिख करके आना है। ये रिएक्शन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रखी है, रिएक्शन से ही मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था कि उस पदार्थ का नाम बताओ जो कि क्लोरीन से अभिक्रिया कर ब्रंजक चूर्ण बनाता है, तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा हमारा, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना। जब हम सूक्ष्म बुझा चूने की यानी कि CaOH के होल टॉइस की क्लोरीन से यानी कि Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है CaOCl2 और जल हमारा निकल जाता है साथ में। तो अगर एग्जाम में रिएक्शन लिखने के लिए बोलता है तो यहाँ से आप रिएक्शन को भी लिख करके आ सकते हैं, वरना आपको खाली एग्जाम में पदार्थ का नाम लिख करके आ जाना है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था और आसानी से आपको समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन के आंसर को नोट भी कर लेना और अगर आप इसी तरीके से साइंस के और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।